दोस्तों 2019 में सरकार चुनने से पहले एक भारत विश्व पटल में भारत की बदलती तस्वीर को जरूर देखें, क्योंकि दुनिया की नजरों में भारत का मजबूत होना भारत की सरकार और उसकी कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2018 का वैश्विक भ्रष्टाचार की लिस्ट जारी कर दी है। 180 देशों की सूची में भारत की स्थिति में सुधार देखने को मिला है। भले ही भारत के अंदर विपक्ष घोटाले को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगता दिख रहा हो, लेकिन इस सूची के मुताबिक भारत में भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है। हालांकि इसमें ज्यादा खुश होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये अंतर बहुत कम है। आपको बता दें कि भारत 2017 की लिस्ट में 81 रैंक पर था, वहीं 2018 में भारत 3 पायदान नीचे यानी कि 78वें रैंक पर आ गया है। लेकिन भ्रष्टाचार किस लिस्ट में पहले स्थान पर कब्जा किया है? डेनमार्क ने, यानी भ्रष्टाचार के मामले में डेनमार्क दुनिया का सबसे बेहतर देश है। वहीं सोमालिया भ्रष्टाचार मामले में सबसे आगे है। वहीं बात करें दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की, तो डोनाल्ड ट्रंप के राज में अमेरिका की स्थिति खराब दिख रही है। जी हां, पहली बार अमेरिका टॉप 20 देशों की लिस्ट से बाहर निकल गया है। अमेरिका को इस बार 71 पॉइंट्स मिले हैं और इसी के साथ 18वें रैंक से अमेरिका सीधे 22वें रैंक पर पहुंच गया है, यानी कि अमेरिका में भी भ्रष्टाचार बढ़ा है। बात करें भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो पाक की हालत भी और खराब हो गई है। पाक 180 देशों की लिस्ट में 117वें स्थान पर है, यानी भारत के मुकाबले पाक में कहीं ज्यादा करप्शन है। बात करें भारत की, तो 2017 में भारत को 40 पॉइंट्स मिले थे, वहीं 2018 में भारत को 41 पॉइंट्स मिले हैं और इसी के साथ भारत 81 से 78वें रैंक पर आ गया है। भ्रष्टाचार निरोधक इस लिस्ट से इतना तो साफ है कि विश्व स्तर पर भारत का प्रदर्शन अच्छा हो रहा है, लेकिन अब भी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए भारत के लोगों को सरकार के साथ मिलकर और भी बड़ी लड़ाई लड़नी होगी ताकि भारत इस सुधार को और बेहतर बना सके। नेशन वन से सुष्मिता मुखर्जी की रिपोर्ट।